हाँ मैया। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ मैंने ना जब कोरोना काल था ना उसके बाद यहाँ पोथी पाठ कराया था, तब आप बहुत तब 29 साल के थे और मैं आती तो हर बार यहाँ सुनती हूँ, लेकिन आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एकादशी मेरी 73 साल उम्र हो गई और मैं एकादशी व्रत करती हूँ, तो मैं अभी थोड़ा ना अगर खाना ना खाऊं तो रखाया तो उद्यापन कर सकते हैं? हाँ एकादशी के दिन फल खाया करो, फल को तो बहुत कुछ खाती हूँ, खाने पीने की कमी नहीं बहुत। फिर तो फिर काहे कमजोरी आती है? पता नहीं मुझे मतलब हो जाता है, तो मैं उद्यापन कर सकती हूँ? उद्यापन तो कर लो मैया, पर एकादशी बनी रहे, छूटे ना। कई साल हो गए। हाँ सही है, तो उद्यापन के बाद फिर कर सकती हूँ? हाँ फिर कर सकते हैं। अच्छा क्या किया जाता है उसमें ये बताइए, हम आप ही क्या करते हैं उद्यापन में? उद्यापन में ब्राह्मण जोड़ों को बुलाया जाता है, पति पत्नी को, उनको भोजन कराया जाता है। कितने पैसे तक लगेंगे? वो तो मैया आपकी श्रद्धा है, भोजन कराने में कितना पैसा लगेगा? आप खीर पूरी खवाओ या नमक रोटी खवाओ या फिर छप्पन भोग खिलाओ, और जितने ज्यादा भोजन खिलाओगे उतना ज्यादा खर्चा लगेगा। देसी घी की गुलाब जामुन खवा रहे हो डांडा की, खर्चा तो उसी में है ना? नहीं नहीं भगवान ने बहुत कुछ दिया। हाँ तो खर्चा उसी हिसाब से। हाँ वो तो आपकी श्रद्धा है। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे किसी की कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है, हाँ। तो उसका निवारण क्या है? पितृ दोष के लिए गया श्राद्ध कर लो, भागवत जी की पोथी पाठ कर लो, पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो इससे क्या संतान प्राप्ति के लिए कोई? हाँ पितृ दोष यदि ज्यादा है तो वो संतान को रोक देते हैं, वंश को रोक देते हैं पितर, क्योंकि पितृ दोष क्या है, वो चाहते हैं कि आप उनके नाम से कोई पुण्य का कार्य करें तो उनकी सदगति हो, सदगति होगी तो आशीर्वाद मिलेगा, अब सदगति नहीं होती तो फिर वो गुस्सा होके क्रोधित होकर के और वंश की वृद्धि रोक देते हैं। जैसे तीन भाई बहन है तो क्या तीनों की कुंडली में हो सकता है वो दोष? भाई तीनों के में होगा, क्योंकि भाई पिता तो एक ही है ना, जी जी, दादा तो एक ही है। तो जैसे किसी के बच्चे हो गए हैं और किसी के नहीं हो पा रहे, ये मतलब कोई बात नहीं, तो एक गया श्राद्ध कर लेने में, भागवत जी का पाठ कर लेने में बुराई क्या है, कर लो ये दोष खत्म हो जाएगा। राधे राधे। जय श्री नारायण। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। खुश रही, पहले क्या बोला आपने? जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। बोलो प्रभु मैं आपकी कथा सुनती हूँ, बहुत दिल करता आपकी कथा सुनने के लिए, 3 साल से सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लगा प्रभु आपके दर्शन करके। क्या अच्छा लगा कथा में? जो आप जो भी कथा सुनाते हैं। सुना, कोई प्रश्न है? जी गुरु महाराज। बोलो। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में रुल जाए, ये प्रश्न है? भैया मेरे भैया बहुत डायसिस हो रही है। क्या हो गया? डायसिस हो रही है, अभी उनको इतनी खराब है, उनकी आशीर्वाद देना। किनको? मेरे भैया को गुरु महाराज। क्या हो गया भैया को? किडनियां खराब दोनों। अच्छा डॉक्टर क्या बोले, ठीक हो जाएंगी? नहीं। फिर अभी डायसिस है, पटेल अस्पताल में दाखिल। चलो भगवान ठीक करेंगे। जय मां। खुश रहिए, खुश रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें।